हेलो एवरीवन, आप सबका अपना परिवार मस्त क्लासेस में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियोस में हम आप सबको नन हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न से रूबरू कराने वाला हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए। नन हिंदी की वीडियो लाए हैं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंटों की फरमाइश थी कि नन हिंदी पढ़ाइए, तो आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो अंत तक देखिए और ये नन हिंदी के क्वेश्चंस को कम्प्लीट कीजिए, ठीक है। तो आपका टाइम नहीं लूँगा, बस आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और आप लोग कमेंट में अपना आंसर मिलाएंगे कितने आपके सही हुए। मेरा कुछ नहीं कहना, बस आपको कमेंट में आंसर मिलाना। पहला है, क्वेश्चन पढ़ते, ईर्ष्या का क्या काम है? शक्ति देना, सुख देना, ईर्ष्यालु को जलाना, जीवन दान देना। तो देखिए, पहले का आपका राइट आंसर ग होगा, ईर्ष्यालु को जलाना, ठीक है, जिनका भी ग सही है। दूसरा है, गदगद होना का अर्थ क्या होता है? खुश होना, परेशान होना, भाग जाना और छिप जाना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गदगद होना, यानी खुश होना। ओके, जिनका भी कह है राइट आंसर। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए, तीन आपका है, ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है? मानसिक अनुशासन, मानसिक असंतुलन, मानसिक विकृति और मानसिक तनाव। तो तीन का देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर कह होगा मानसिक अनुशासन, जिनका भी कह है राइट आंसर है, है ना। फटाफट आप लोग करेक्ट कीजिए, टाइम आपका नहीं लेना चाहता हूँ। बच्चों की दुआ कवि के कवि कौन है? इकबाल है, दिनकर है, नेपाली है, कबीर है। तो इस क्वेश्चन का ना आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हम बताते हैं, इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका क होगा इकबाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांच नंबर क्वेश्चन, निबंध विक्रमशिला किसकी रचना है? पापू वीसा, सुभद्रा कुमारी चौहान, नरोत्तम दास और अरुण कमल। तो देखिए इसका है ना एकदम बिल्कुल आपका राइट आंसर क होगा, पापू वीसा। ओके, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद बताना है, विद प्लस आर्थी, विद्या प्लस रथी, विद्या प्लस अर्थी, वी प्लस दार्थी। तो सिक्स का ना आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर ग होगा, विद्या प्लस अर्थी, और जिनका भी ग है सही है, ठीक है। चलिए सात नंबर क्वेश्चन, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों? दादी की उंगलियाँ तवे से जल जाती थी, मिट्टी के खिलौना टूट जाते थे, हामिद के पास बहुत कम पैसे थे, मिठाई से हामिद को नफरत करती थी। तो इसका ना आपका एकदम बिल्कुल क राइट आंसर होगा, दादी की उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए चिमटा पसंद किया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आठ नंबर, और परीक्षा में पूछा भी है कि स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? सौ प्लस आगत, सवा प्लस गत, सु प्लस आगत, सवा प्लस आगत। तो देखिए इसका हम राइट आंसर बताते हैं, इसका एकदम बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ना इस क्वेश्चन, सु प्लस आगत ग राइट आंसर है स्वागत का। ओके, नाइन है, पुत्र वधु द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? स्वार्थ, त्याग, प्रेम और नफरत। तो देखिए नाइन का आपका ना एकदम बिल्कुल राइट आंसर जो होगा ख होगा त्याग, त्याग को दर्शाता है, जिनका भी कमेंट में ख सही है। ओके, चलिए दस नंबर क्वेश्चन देखिए, कहानी खेमा किसकी रचना है? पापू वीसक, अरुण कमल, रामधारी सिंह दिनकर, फणवे सिंह, फणीश्वर नाथ रेणु। तो 10 का हम आपको राइट आंसर बताते हैं, इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका 10 का जो होगा क होगा पापू वीसा। ओके, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है किस काल की शिक्षा का केंद्र था? प्राचीनकालीन, बौद्धकालीन, मध्यकालीन और गुप्तकालीन। तो इस 11 का ना आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर क होगा बौद्धकालीन, जिनका भी बौद्धकालीन है सही है। ओके, चलिए 12 है, ईर्ष्या का संबंध किससे किसके साथ होता है? ऑप्शंस देखते हैं क्या दी है, पहला है असमानता से, फिर आगे है प्रतिद्वंद्वता से, संबंधियों से और मित्रों से। तो इस 12 का ना आपका बिल्कुल राइट आंसर ख होगा प्रतिद्वंद्वता से, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, 13 नंबर क्वेश्चन, विक्रमशिला कहाँ है? आधुनिक भागलपुर के कहलगांव में, नालंदा के राजगीर में, वैशाली में, झारखंड के रांची में। तो 13 का आपका राइट आंसर क्या है? आधुनिक भागलपुर के कहलगांव में, 13 का राइट आंसर, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 आपका कहता है, मुमकिन का अर्थ होता है संभव, असंभव, शब्द और शामिल। तो इस 14 का ना एकदम बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? संभव। ओके, मुमकिन का है संभव। 15 है, निबंध दीन बंधु निराला किसकी रचना? बिहारी की, आचार्य श्री पूजन साहे, अरुण कमल, विडप बनारसी। तो इसका हम बताते हैं बिल्कुल राइट आंसर 15 का आपका ख होगा आचार्य श्री पूजन साहे, ठीक है ना। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? स, ह, अ और ज। तो 16 का आपका ना एकदम बिल्कुल राइट आंसर हम बताते हैं मिलाएंगे, इसका ग जो है अ वो अघोष वर्ण है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए,
खाक छानना मुहावरे का अर्थ है बहाने बनाना, इज्जत करना, खुश होना और दर दर भटकना। तो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर घ होगा, दर दर भटकना। ठीक है, खाक छानना यानी कि दर दर भटकना, जिनका भी घ है सही है। और 18 हुंडरू का जलप्रपात कितनी ऊंचाई पे, 180 फुट, 800 फुट, 243 और 90 फुट। तो 18 का देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका ग होगा 243 फुट, जिनका भी ग है राइट आंसर। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके आक्रमण से सर्वनाश हो गया, चीनी आक्रमण, आर्य आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण। तो इसका ध्यान आपका बिल्कुल राइट आंसर ना ग होगा, तुर्कों के आक्रमण, जिनका भी ग है राइट आंसर। चलिए 20 क्वेश्चन देखते हैं, 20 आपका क्वेश्चन कहता है, दीन बंधु निराला का पूरा नाम क्या था, सूर्यकांत त्रिपाठी, रविशंकर, अरुण कमल, राजकुमार। तो 20 का ना आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर क हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनका भी क है सही है। ठीक है, और 21 से मोहन कलम से लिखता है, में से कौन कारक है, कर्ता, कर्म, अपदान, करण। तो इस 21 का ना आपका हम बताते हैं राइट आंसर मिलाएंगे, इसका बिल्कुल घ होगा करण कारक से, है ना, करण कारक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, 22 को ही क्वेश्चन में लाया था, 23 नहीं ले पाया था, 22 क्वेश्चन ये है ना। देखिए 22 क्वेश्चन आपको कहता है, निराला को दिन बंधु क्यों कहा गया, वह बराबर दिनों से नफरत करते और स्वयं दिन दिनहीन जीवन जीते थे। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ना, इधर का दिख नहीं रहा ना। और आगे है कि वह दिन दुखियों की सेवा सहायता करते थे, वह दिन तक की निंदा करते थे। तो देखो मेरे प्यारे, इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर ना 24 का ग होगा, वह दिन दुखियों की सेवा करते थे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में आपके, ठीक है ना, 22 क्वेश्चन से रूबरू कराए, इसमें कितने सही है कमेंट में बताइए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और है ना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स मित्र में भी शेयर कीजिए, और बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।